स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूँ पहाड़ समाचार। चमोली में एक बार फिर से वैक्सीन की खेप पहुंचने के बाद 18 प्लस के लिए दूसरे चरण का वैक्सीनेशन प्रारंभ हो गया है। वैक्सीन की खेप के बाद स्लॉट बुक कराने में व्यस्त हो गए हैं, तो जिनके स्लॉट बुक हो चुके हैं उन्हें आज वैक्सीन सेंटरों पर जाकर वैक्सीन लगवाएंगे। वो वैक्सीनेशन को लेकर जिला पंचायत उपाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह रावत ने प्रशासन की खूब प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह दूर के इलाकों में वैक्सीनेशन सेंटर बनाकर सराहनीय काम किया है, जिससे यहाँ दूर दराज के लोगों को सुविधा उपलब्ध हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद रावत जी। हमारा जो ये क्षेत्र है एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, और यहाँ से हमारे जो बच्चे हैं जो 18 साल से 45 साल के नवयुवक हैं नवयुवतियाँ हैं, उनको नारायणगढ़ जाने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक्चुअल में आजकल लॉकडाउन के चलते गाड़ियाँ भी नहीं मिल रही है, तो इस वजह से मैंने विशेष धन्यवाद मैं आदरणीय सीएमओ साहब का और डॉक्टर डिमरी जी का और विशेषकर हमारे डॉक्टर टमटा जी का और उनियाल जी का, आप सब लोगों के सहयोग से। प्रथम तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ। हमारे यहाँ पे 18 प्लस का टीकाकरण 12 मई से शुरू हो चुका है, हम इसमें बहुत आगे पहुँच चुके हैं। आज हमारे यहाँ पे टारगेट था 90 का, 90 में से हमने 90 लोगों को लगा चुके हैं, उसमें से कुछ प्रधान लोग भी हैं। और हम उसके बाद टीका लगाने के बाद निगरानी कक्ष में रखते हैं उनको, 30 मिनट के लिए अपने देखभाल में रखते हैं। 30 मिनट के बाद उन लोगों को भेजते हैं, उनको पीसीएम के टैबलेट देने की सलाह देते हैं। हमारे हॉस्पिटल से वो पीसीएम देते हैं। कुमाऊं मंडल में सबसे ज्यादा कैदियों की संख्या है, इस पर हल्द्वानी में नवनियुक्त जेल अधीक्षक सतीश सुखीजा ने जेल की व्यवस्था और शौचालय को लेकर जानकारी दी। जेल अधीक्षक सतीश ने बताया कि व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जेल के अंदर स्वच्छता के साथ ही पेयजल और शौचालय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा जेल की कैंटीन में मिलने वाले मैनुअल कूपन की जगह कैशलेस कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि जेल की कैंटीन में नगद कूपन के माध्यम से कैदियों को मनपसंद भोजन मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ ओवर क्राउडिंग की समस्या है, उन बंदियों को पानी की समस्या है, शौचालय की दिक्कत है, तो पहला कदम तो जेल की साफ़ सफाई, शौचालय की व्यवस्था और पेयजल की व्यवस्था के उसमें उठाया जाएगा। उसके बाद खुद बैरकों का निर्माण होना है जो शासन द्वारा स्वीकृत है, लेकिन अभी प्रक्रिया में है, जल्दी ये कोरोना के बाद उसमें कार्य शुरू होगा। महानिरीक्षक कारागार का मन है कि सारी जेलों में बंदी कुछ न कुछ काम करें, क्योंकि जब आदमी खाली रहता है तो खाली खुरापात सूझती है। हरिद्वार से सटे लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों में नकली दवाइयां बेचने की जानकारी पर ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एक्शन लिया है। ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने स्पेशल टास्क फोर्स के साथ मिलकर मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की। इस छापेमारी में टीम को सफलता भी हाथ लगी है और कार्रवाई के तहत दो मेडिकल स्टोर पर ताला भी जड़ दिया गया। वहीं ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती ने बताया कि छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालकों में हड़कंप मच गया। फिलहाल मेडिकल स्टोर से निकाले गए सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया है। कुछ शिकायतें मिल रही थी कि यहाँ पे जो है नकली दवाइयाँ बेची जा रही हैं लोगों द्वारा, और कुछ नशीली दवाइयों का भी वितरण यहाँ पर बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के किया जा रहा है। तो इसी के चलते मेरे द्वारा जो है खुर्द और कुतुबपुर खड़ंजा मेजोपुरा यहाँ पर कुछ इंस्पेक्शन किए गए। वहाँ पर लगभग 6-7 मेडिकल स्टोर थे, जिनमें से 3-4 मेडिकल स्टोर मैंने चेक किए हैं, बाकी जो है भाग गए थे। और फिलहाल दो मेडिकल स्टोर तो मेरे द्वारा बंद कर दिए गए हैं, और बाकी दो मेडिकल स्टोर जो खुले थे उनके पास लाइसेंस था, और वहाँ से मेरे द्वारा 5 कलियर में एकता सलमानी समाज ट्रस्ट के लोगों ने कोविड-19 का पालन करने की अपील की। ट्रस्ट के लोगों से जरूरतमंद लोगों को मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा गया। वहीं संगठन के जिम्मेदार लोगों ने बताया कि ये ट्रस्ट लोगों की काफी समय से मदद कर रहा है और आगे भी गरीब व बेसहारा लोगों के लिए मदद की जाती रहेगी। तो एकता सलमानी ट्रस्ट की तरफ से लगातार कलियर में जरूरतमंद लोगों के लिए सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया जा रहा है। सैनिटाइजर और मास्क वितरण क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। हमने भी देखा है यहाँ पर बहुत बाइकों पे साइकिलों पे
बिना मास्क के आ जा रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई भाई दहशत ही ना हो, मगर ये बहुत गलत चीज़ है हम लोगों के लिए। हमें जो है मास्क जरूर लगाना चाहिए, बच्चों की एहतियात चाहिए एक तरीके से। लालकुआ में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने बाजार खुलवाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने कहा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को मदद देने की जरूरत है, इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि बाजारों को खोलने की इजाजत दी जाए। और अब व्यापारी संगठनों ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने उनकी परेशानियों का हल नहीं निकाला तो वो सड़कों पर उतर कर उग्र प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ लालकुआ में ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए काम किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन लापरवाही की वजह से ओवरलोड वाहन तेजी से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ओवरलोड वाहनों की वजह से काफी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। जानकारी मिली कि ज्यादातर रेता भरे ट्रकों की संख्या दिखाई दे रही है। वहीं तहसील क्षेत्र में संचालित क्रेशरों से रोजाना सैकड़ों की संख्या में ओवरलोड ट्रक आवागमन करते हैं। वहीं इन क्रैशरों से हर समय ट्रकों का भारी भरकम मेला लगा रहता है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक यातायात देवेंद्र पिंचा ने बताया कि वाहनों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जल्द ही सफलता हासिल होगी। बेसिकली ओवरलोडिंग मेरी जानकारी में शायद ना हो रही हो, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो मैं इसको भी चेक कराऊंगा, क्योंकि हर जगह बॉर्डर पे आपको पता ही है, चाहे यहाँ हो या उधम सिंह नगर, हर जगह आज की डेट में पुलिस लगी हुई है, हर जगह चेकिंग हो रही है। अगर उनके सामने से ओवरलोड निकल के जा रहा तो फिर ये गलत बात है। हल्द्वानी में कोरोना सहित अन्य बीमारियों के कारण एक महीने में ही 800 लोगों की मौत हो चुकी है। नगर निगम की ओर से सभी को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। नगर निगम के मुताबिक मई महीने में 800 मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिसमें 523 पुरुष और 277 महिलाएं शामिल हैं। कोरोना महामारी के चलते हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भारी संख्या में कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज कांडपाल ने बताया कि मरने वालों में कई लोग ऐसे भी हैं जो हल्द्वानी से बाहर के हैं और उन्हें इलाज के लिए यहां के अस्पताल में लाया गया था। फिलहाल मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मृतक के परिजन सीएससी सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। जांच के बाद ही ऑनलाइन मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जा रहा है। नहीं देखिए, जो भी ये मृत्यु जो हल्द्वानी हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत होगी, तो उनके जितने भी चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो चाहे वो डेथ सर्टिफिकेट हो, वो बेस महिला अस्पताल को छोड़कर सारे हमारे द्वारा ही यहाँ से निर्गत किए जाते हैं। तो ये जो भी निगम के अंदर जितनी भी डेथ हुई हैं, नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितनी भी डेथ हुई हैं, विकास नगर तहसील क्षेत्र के यमुना नदी पर 120 मेगावाट क्षमता के जल विद्युत परियोजनाओं का कार्य अंतिम चरण में है। यमुना घाटी बांध लखवाड़ व्यासी प्रभावित समिति के बैनर तले लोहारी गांव के लोगों ने व्यासी प्रोजेक्ट साइट पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन का आज दूसरा दिन है। लोगों ने परियोजना का कार्य रुकवा दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि व्यासी परियोजना का निर्माण कार्य शुरू होने के दौरान शासन प्रशासन के द्वारा प्रभावित लोहारी गाँव के लोगों को आश्वासन दिया गया था कि उनकी सभी मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं की गई। इस मामले में हमारे संवाददाता ने भी बांध प्रभावित ग्रामीणों से बात की। लोहारी गांव के ग्रामीण हैं, यहां पर आए हैं, जो हमारा व्यासी प्रोजेक्ट है, इसमें इनके जो भूमि उसमें डूब क्षेत्र में आने वाली है उसके तहत इनकी कुछ मांगे हैं, समस्याएं हैं, तो उसी पे आज उसी के संबंध में हमने इनके गांव से एक प्रतिनिधि मंडल को बुलाया था, तो जिससे अभी वार्ता की गई है और कल भी इनके साथ वार्ता की गई थी। तो अभी जो भी इनकी समस्याएं, जो भी इनकी बिंदुएं हैं, उन पे हमने वार्ता की है और हमने हम भी अपने उच्च अधिकारियों तक के उनकी जो समस्याएं हैं वो मैसेज पहुंचा रहे हैं, और साथ में मैंने ग्रामीणों से भी अनुरोध किया है कि वो भी आपस में विचार करके, कुछ पॉइंट्स हमने भी रखे हैं कि उनको भी वो आपस में विचार करके एक सहमति बने और सहयोग से फिर इस परियोजना को आगे बढ़ाया जाए, जिससे गाँव वालों को भी कोई नुकसान ना हो और उनकी समस्या का भी हल हो जाए और परियोजना भी चलती रहे। विकास नगर तहसील क्षेत्र के यमुना नदी पर बन रही 120 मेगावाट क्षमता की जो प्यासी परियोजना का काम अंतिम चरण में है, और आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो बैराज है, वो डैम का जो बैराज है वो बनके तैयार हो गया है,
और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि जो इस डैम से जो प्रभावित ग्रामीण हैं वो यहाँ पर धरने पे बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि डैम तो बनने को अंतिम चरण में है, लेकिन सरकार से उनका जो समझौता हुआ था या विस्थापन के लिए जो समझौता हुआ था उनका पूरा हुआ नहीं, पूछते हैं उनसे क्या कहेंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग धरने पे बैठे हैं, ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, ज़मीन के बदले ज़मीन हमारा जो पहला मुद्दा है, तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे जो है। और हमारा कुछ वो भी है, हमारे बच्चे हैं, ये सब बेरोज़गार लोग हैं और इनका भी कोई वो नहीं हो रहा है कि किसी को रोज़गार नहीं दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं दे रहे हैं जो है। जब अभी नहीं देंगे, जब अभी डैम चल रहा है, अभी काम बचा है, 1% 2% बना है, डैम होने के बाद तो हमको कोई पूछेगा नहीं फिर। तो सरकार से क्या कमेंट था आपका? सरकार ने ये कहा था कि भाई मैं सरकार कैबिनेट में भी प्रस्ताव पास कर रखा हो कि हम जमीन के बदले आपको जमीन देंगे, जीवनगढ़ रेशम विभाग की जमीन देंगे, लेकिन आज जो सरकार और विभाग आनाकानी कर रहा है, जब तक हमको जमीन के बदले जमीन नहीं मिल जाती है तब तक हम यहाँ से नहीं हिलेंगे, चाहे सरकार जो मर्जी कर लें, कुछ भी कर लें। क्या चाहते हैं आप? हम लोग जमीन के बदले जमीन चाहते हैं। अच्छा। और यदि हमें जमीन नहीं मिली तो यहीं जल समाधि लेंगे। हमारी दो मुख्य मांगे हैं, जमीन के बदले जमीन और बेरोजगारों को रोजगार। गवर्नमेंट ने, सरकार ने जो भी आई यही वादा करते रही कि आप लोग काम चलने दो और हम आप लोगों को अच्छी जगह विस्थापित करेंगे, आपके अनुसार जो आपको उचित लगेगा वहीं विस्थापित करेंगे और जो आपके यहाँ सब परिवार को रोजगार देंगे। क्या रोजगार दिया? लेबर काम दिया, ये रोजगार होता है? 6-4 महीने कराया काम, उसके बाद बोला जाओ तुम घर जाओ, तुम्हारा तुमको निकाल दिए गए हैं। यदि रोजगार देना है तो रोजगार के हिसाब से दो। मैं अपने कैमरामैन से बोलता हूँ कि जरा दिखाइए कि लोग जो है धरने पे बैठे हुए हैं, इनको जो है ये बांध प्रभावित हैं, इनका जल जंगल जमीन सब कुछ इस जो आने वाले समय में इस परियोजना से, जल विद्युत परियोजना से डूब जाएगा, और इनको जो है सरकार ने अभी तक विस्थापन नहीं किया है। और अब देखना है कि इस बांध जो बन रहा है इससे प्रभावित लोगों को जो विस्थापन होता है कि नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तराखंड से प्राइम टीवी न्यूज चैनल है। वही खबरों के बीच रुकेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां सुनगर के पास हुआ भारी भूस्खलन, गंगोत्री हाईवे हुआ बंद, हाईवे खुलने में लग सकता है वक्त। उत्तराखंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भूस्खलन हुआ है इस बात की जानकारी मिल रही है। सुनगर के पास ये भारी भूस्खलन के चलते गंगोत्री हाईवे बंद कर दिया गया है, हाईवे खुलने में वक्त लग सकता है। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सुनगर में भारी भूस्खलन के चलते गंगोत्री बांध को बंद कर दिया गया है, गंगोत्री हाईवे को बंद किया गया है भूस्खलन के चलते, लोगों की आवाजाही पर बाधा संकट बन गया है। जिस तरह से अभी गंगोत्री हाईवे को बंद कर दिया है और इसमें इसे खुलने में भी वक्त लग सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां सुनगर के पास भारी भूस्खलन की जानकारी मिल रही है। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे सहयोगी शहबाज खान जुड़ चुके हैं। शहबाज, मैं आपसे आना चाहूंगी, किस तरह की स्थिति बन रही है भूस्खलन के बाद? गंगोत्री जो हाईवे है उसे भी बंद कर दिया गया है, तो क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? जी देखिए, बताऊंगा कि जो गंगोत्री हाईवे है उसको बंद नहीं किया गया है, बल्कि शुक्रवार तड़के से जो बारिश जो लगातार हो रही है, जिसके बाद से जो हाईवे पर जो मलबा और मिट्टी जो इकट्ठा हो गई है उसको हटाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वो जितनी जो बारिश हुई है, लगातार बारिश जो है वो 2-3 दिन से जारी है, जिसके चलते जो गंगोत्री हाईवे है उस पर भूस्खलन हुआ और भूस्खलन होने के बाद जो हाईवे का जो आवागमन है वो पूरी तरीके से अवरुद्ध हो गया है। किस तरह की इस वक्त वहां पर कार्य जारी है भूस्खलन पे, जो भी मलबा लगा हुआ है उसको हटाने का, और लोगों को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? गंगोत्री हाईवे पर भूस्खलन की जैसे ही प्रशासन को सूचना मिली तो वैसे ही वहां पर बीआरओ के जो जवान हैं उनको भेजा गया। उसके बाद वहां पर जवानों के पहुंचने के बाद वहां पर मशीनों से जो है मलबा हटाने की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। और पहाड़ी के हालांकि पहाड़ी के जो ऊपरी हिस्से से वो जो रुक रुक कर जो अभी भी बोल्डर गिर रहे हैं, जिसके चलते जो राहत बचाव कार्य है वो सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, लेकिन बीआरओ के जो जवान है वो लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हाईवे जो अवरुद्ध हो गया, जिसके चलते गंगोत्री धाम
ग्राम भारत चीन सीमा स्थित अग्रिम चौकियों के साथ ही उपला टकनकर क्षेत्र के हर्षिल, मुखबा, धराली और जसपुर झाला, सुक्की, गंगनानी, हुर्री जैसे तमाम गाँव है जो जिनका जो हाईवे से अवरुद्ध हो चुका है, पूरी तरीके से जो यातायात है वो ठप पड़ गया है, जिसके चलते जो लोग जो आ जा रहे हैं उनको काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भूस्खलन के चलते भारी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, वहीं लगातार जो मलबा इकट्ठा हुआ है उसको हटाने का कार्य जारी है। तो बढ़ते हैं आगे और फिर से लौटते अपनी खबरों की ओर। सितारगंज में कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों में पहले से कुछ कमी आई है, बॉर्डरों पर अभी भी लोगों की जांच की जा रही है और लोगों को बिना कोरोना रिपोर्ट के इलाके में आने की इजाजत नहीं मिल रही है। साथ ही पुलिस चेकिंग अभियान भी चला रही है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि कोरोना नियमों का पालन कराया जाए। बाहर समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।